नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रीम के बारे में जो स्किन डिजीज में यूज में आती है। अलग अलग प्रकार की स्किन डिजीज की जो कंडीशंस होती हैं वहां पर हम इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब गर्मी और बरसात दोनों की सीजन मिक्स होती है तो ऐसे में स्किन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याएं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी कभी घाव हो जाता है, कट्स लग जाता है, बर्निंग हो जाती है, ऐसे में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इन सबके लिए मैं एक क्रीम के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों मुझसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सूखी खाज में कौन सी मेडिसिन यूज करें, कौन सी दवा यूज करें, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उस क्रीम के बारे में जो क्रीम हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं स्किन से संबंधित डिजीज में। दोस्तों एक्चुअली आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओमेगा कंपनी की तरफ से आने वाली BNC क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इस क्रीम में क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस बीमारी में यूज होती है, कैसे इसको यूज करते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत पुराने समय से, यानी कि मैं बचपन से जब से देख रहा हूं तब से ये क्रीम मार्केट के अंदर में है। बहुत दिन से मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं जानता हूं इसके बारे में, लेकिन ये जब से मैं देख रहा हूं तब से ये क्रीम मार्केट में आती है। तो एक्चुअली ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस आप लोगों का क्वेश्चन था कि स्किन डिजीज में कौन सी क्रीम यूज करें, इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर इस क्रीम के बारे में देखा जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, तो एक्चुअली इसमें तीन चीज़ें मिली होती हैं जिसमें है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट और क्लोट्राइमाजोल, यानी तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूँ दोस्तों कि एक्चुअली ये अकेली क्रीम नहीं है जो तीनों के कम्बिनेशन के साथ में आती है, इसके साथ दूसरी ब्रांड्स भी आती हैं। आप सेम कम्बिनेशन की मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें आप न्यूफोर्स GM क्रीम आती है, डाई प्रोलाइट क्रीम आती है जो सेम कम्बिनेशन में आती है, इसकी दूसरी ब्रांड होती है, या सियोड्रम नाम से क्रीम आती है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, सभी सेम काम करेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्या काम करते हैं और क्या इनके काम से हम ये तय कर सकते हैं कि ये स्किन डिजीज में यूज होती है। तो इसमें मैंने बताया तीन चीजें होती हैं, बेक्लोमेथासोन, नियोमाइसिन और क्लोट्राइमाजोल। दोस्तों बेक्लोमेथासोन एक प्रकार की स्टेरॉइड होती है और स्टेरॉइडल जो क्रीम्स होती हैं या जो क्रीम में स्टेरॉइड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में ऐसे केमिकल्स को ब्लॉक कर देता है जो केमिकल इन्फ्लामेशन उत्पन्न करते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेक्लोमेथासोन क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है, जिससे अगर आपको कहीं पे खुजलाहट हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, दाद, खाज कुछ भी है, तो वहां पे रेडनेस, इचिंग, इन सबको कम करने का काम करता है बेक्लोमेथासोन, ठीक है। दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे नियोमाइसिन। देखो होता क्या है कि जब कहीं भी स्किन में इन्फेक्शन होता है तो हम खुजलाते हैं, कट जाता है, घाव पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होता है, तो नियोमाइसिन क्या करता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनको खत्म करता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने दे देता है, तो कहने का मतलब नियोमाइसिन मिला हुआ है। तीसरी चीज दोस्तों इसमें है क्लोट्राइमाजोल। क्लोट्राइमाजोल फंगल इन्फेक्शन को रोकता है, फंजाइज को नष्ट करता है, कवकों को नष्ट करता है, यानी कि जहां पे आपको खुजली हो रही है, दांत खाज है, तो ये फंजाइज की वजह से होती है, कवकों की वजह से होती है, फफूंद की वजह से, तो उसको नष्ट करने का काम करता है। तो अब अगर तीनों चीजों को आपस में मिला करके एक क्रीम बनाई जाती है तो ये क्रीम तीनों कामों को एक साथ में करती है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ जो BNC क्रीम होती है वो आसानी से हर प्रकार की जो स्किन प्रॉब्लम है, खास करके जैसे स्किन में संबंधित आपकी समस्याएं हैं, जैसे स्किन पर कोई कट्स लग जाता है, घाव हो जाता है, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो समस्या खाज खुजली की है वहां पर आप ये क्रीम यूज करते हैं तो अच्छे से ये फायदा करेगी। अब अगर इसकी पैकिंग पे देखा जाए दोस्तों तो इस पर लिखा हुआ है कि ये मेडिसिन दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसी, जख्म, जांघों की खुजली, यानी कि जो आपको काश बोलते हैं, इसके अलावा सेविंग कट्स अगर लग जाते हैं तो वहां पर राहत देती है। तो एक्चुअली सेम काम है, कहीं भी आपको कट लगता है, कहीं भी घाव होता है या दांत खाज होता है, तो या तो फंगल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या नॉर्मली आपको इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहां पर ये क्रीम काम करेगी। तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है। दोस्तों अगर आप मैं बात करूं इसके साइड इफेक्ट की, तो ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आपको इस मेडिसिन के प्रति एलर्जी हो, तो ऐसे में आपको अप्लाइंग साइड पे कुछ इन्फ्लेमेशन या फिर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, खास करके रेडनेस, इचिंग, और वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। इसके अलावा ऐसे कोई साइड इफेक्ट इसके देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ महसूस होता है तो आप तुरंत इसके उपयोग को बंद कर दें।
दोस्तों अगर बात की जाए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो नॉर्मली जैसे हम लोग बाकी के ऑइंटमेंट क्रीम्स लगाते हैं वैसे भी आपको अप्लाई करना होता है। बस थोड़ी सी मात्रा में आपको लेना होता है और एक पतली फिल्म, एक थिन फिल्म आपको उस जगह पे अप्लाई करनी होती है, केवल उस जगह पे अप्लाई करनी होती है जो अफेक्टेड होता है, जहां पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जहां पे आपको दांत खाज हुई है आप वहां पर इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एक पतली लेयर में। दोस्तों इसको आप रात को सोते टाइम अप्लाई करें, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप रात को सोते टाइम करते हैं तो उसका असर ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। वजह यह है कि आप दिन भर काम करते रहते हैं लेकिन रात में जब आप सोने जाते हैं तब अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये अपनी जगह पर आसानी से पड़ा रहेगा और फिर ये आपको एब्जॉर्ब होकर के आपको फ़ायदा करेगा। दोस्तों एक छोटी सी प्रिकॉशंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक्चुअली जब हम लोग क्रीम का यूज़ करते हैं तो ऐसे में बड़ी समस्या ये होती है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, पर ऐसा कभी ना करना। आप थिन लेयर में ही यूज़ करना, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करोगे तो उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए कोशिश करना कि जितनी डोज होती है उतनी ही डोज आपको यूज़ करना होता है, उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया VNC क्रीम के बारे में। एक्चुअली इसके वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल से कंडीशन में अगर आपके स्किन पर कोई समस्या होती है तो उसमें आपको कौन सी क्रीम यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इसकी ब्रांड होती है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों हमारा हेल्थ मुखिया चैनल भी आप देख सकते हैं जिस पर हम लोग आयुर्वेदिक इलाज से संबंधित वीडियोज डालते हैं, या फिर आपको बहुत सारे उस पर वीडियोज मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देखिएगा जरूर। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।